Assalamualaikum to everyone, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। और दुआ करते हैं कि आप सब खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। थोड़ा मसरूफ रहते हैं, इसकी वजह से हम डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे। प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए डेली ब्लॉग्स लेके आ सकें, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आ सकें। कुछ इन्फॉर्मेटिव तो नहीं, बट चले जितना भी हम थोड़ा सा चैनल बनाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग से किसी की हेल्प हो जाए, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई चीज किसी को मोटिवेट कर जाए एंड सो ऑन। सो आज हम जाने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग जगह पे। समर्स आ चुके हैं कनाडा में और बहुत अच्छा मौसम जा रहा है। परसों यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम था, बारिश थी, कल भी बारिश थी, लेकिन उसके बाद ना हवा वगैरह बंद हो गई थी तो सनी ही था, मतलब अच्छा मौसम चल रहा है। तो नाउ फाइनली हम भी कह सकते हैं कि कनाडा जैसे शहर में समझ आ रही है। और हाँ, आप सब सोचे होंगे कि मेरे दोनों हाथ फारिग हैं, बेबी मेरे हाथ में है, तो हमारी व्लॉगिंग कौन कर रहा है? अगर आपको इसका जवाब जानना है तो इसके लिए आपको हमारा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। और हमें बहुत सारा प्यार दें, हमारी वीडियो को भी लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें और देखें कि इस व्लॉग बनाने के पीछे कौन है। तो सीन कुछ ये है कि मैंने जो है ना आज कुछ खाने में नहीं बनाया। आज है सैटरडे, कनाडा में है 10th June, पाकिस्तान में अभी इस वक्त 11 हो चुकी है। और खाना मैंने नहीं बनाया बिकॉज कल मैंने बनाए थे पालक एंड राइस, तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा बन गए थे, तो आज हम उसको रिपीट करेंगे। मैं अपने हस्बैंड के लिए साग पराठे बनाऊंगी बिकॉज आई थिंक वो साग समझ रहे हैं, तो इज लाइक ए साग। मेरे ख्याल से वो साग का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो पराठा खाएंगे वो साथ और मैं जो है कल वाली राइस ही खाऊंगी। तो खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए एक दिन रिपीट तो हम कर ही सकते हैं, तो हम उसको जरूर रिपीट करेंगे। उसके बाद हम छोटी सी एक जगह पे जाएंगे और मैंने कुछ बेबी की शॉपिंग की थी अपनी तरफ से, हमने वो शॉपिंग की थी सेल से। तो अब नेक्स्ट उसमें देखें कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है बेबी की और क्या कितने प्राइस में है। प्राइस बताने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखा रही हूं या दिखा रही हूं कि हमारे पास है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, ये वो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ प्राइस बताने का मकसद ये है कि किसी की हेल्प हो जाए, कि किसी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ जी फलाने ब्रांड पर इस वक्त जो चीज मिल रही है उसका क्या आजकल रेट चल रहा है। ठीक है, बस यही पॉइंट होता है और कोई नहीं होता। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स कनाडा से हैं, प्लीज हमारी वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट दें। और अगर आप लोगों को भी लगता है कि ये वाला ब्रांड आप लोग अफोर्ड करते हैं और अच्छी सेल्स लगी हुई है, तो गो अहेड, जाएं और देखें। कनाडा में बस हम सेल्स का वेट करते हैं, लिटरली कनाडा में बहुत अच्छी सेल्स लगती है जब भी लगती है। नॉर्मल डेज में शॉपिंग यहाँ पे एक्सपेंसिव पड़ जाती है, लेकिन जब सेल लगती है तो बहुत मजा भी आता है और बहुत और जेन्युइन सेल होती है। ये भी हम गए हुए थे गैप और हम कुछ शॉपिंग करके लाए हैं, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हमने क्या शॉपिंग की है और क्या लिया है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो के आखिर तक देखते रहें। सबसे पहले हमने लिए बेबी के ये रोम्पर्स लिए हमने, ये ऐसे मतलब हाफ लेग्स वाले हैं। और ये मैंने लिए हैं कार्टर से और ये लिए हैं 6 to 9 months के, बिकॉज अब मैं देखी थी 3 to 6 वाले थे, तो माशाल्लाह 5 months का तो ऑलरेडी हो गया, तो 1 महीने के लिए फिर क्या फ़ायदा। तो फिर ये पैम्पर अलाउंस भी होता है ना, तो फिर ये वाले इस तरह के 2 pair में मिले हैं, एक ये है और एक ये ऐसे आर्टिकल है, एक ये है ऐसे, मैं आपको रख के दिखाती हूँ, एक ये है। और ये मुझे मिले हैं क्योंकि मुझे कुछ लोग कहे थे प्राइसेस भी बताया करें, तो इसीलिए ये मुझे मिले हैं 17.97, इस पे ऊपर टैक्स भी लगा है, तो ये कैनेडियन 17.97 डॉलर्स के हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं हमने और क्या लिया है। उसके बाद मैंने लिए हैं ये 2 बॉडी सूट्स, ये बॉडी सूट्स ही हैं, ठीक है ना, आप बॉडी सूट्स हैं, ये आप शॉर्ट्स के साथ भी पहना सकते हैं। अगेन ये मैंने 3 to 6 ले लिया एक साइज, और एक मैंने कहा कि चलो ट्राई करने के लिए कि कितना बड़ा कितना फर्क आता, बिल्कुल बस ये ना पैम्पर एरिया में फर्क आता, ज्यादा नहीं था, तो ये ले लिया 6 to 9 साइज ले लिया। ये 2 बॉडी सूट्स हैं, हाफ स्लीव हैं क्योंकि अब यहाँ पे गर्मी आ गई है, तो इसलिए हाफ स्लीव वाले ले लिए। फुल स्लीव में भी बहुत सारे अवेलेबल थे बट मुझे हाफ ही चाहिए थे, तो ये एक ब्लू हो गया और एक येलो हो गया, ये बहुत प्यारे कलर्स हैं। तो और देखते हैं हमने क्या लिया है। अच्छा सॉरी, मैं इसकी प्राइस बताना भूल गई, ये मैंने लिया है $5 का ईच रोम्पर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर, ये मैंने लिया है गैप से, इसकी शॉर्ट्स ली हैं और ये मुझे सेल में मिली है $13.99 की, ओरिजिनल प्राइस थी इसकी $34.99 की, और ये गैप की हैं और ये बहुत आर्मी प्रिंट में मुझे मिला है, सोल्जर प्रिंट में ये मिला है और ये बहुत अच्छी है, सॉफ्ट मटीरियल है बहुत ज़्यादा,
तो इसको हम किसी भी किसी भी आउटफिट के साथ मैच कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट आउटफिट के ऊपर। ये है मेरा बहुत 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 फेवरेट आउटफिट है, ये इसका है बेबी का। ये मैंने लिए हैं 6 to, ये मैंने ले लिया क्या साइज, 3 to 6 साइज ही लिया है। ये आपने ऐसे नहीं समझना कि ये मुझे पूरा एज अ पेयर आउटफिट मिला है। ये इसका मैंने पैंट्स अलग ली हैं और ये मैंने इसका जंप सूट बॉडी सूट अलग से लिया है। और ये मुझे मिला है 16.99 डॉलर का ईच पेयर, ईच है मतलब 16.99 का एक है और 16.99 का ये मुझे अलग से मिला है। तो मैंने कहा चलो ये पूरा सेट बन जाएगा तो ये एक ऐसे पेयर बन जाएगा, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है तो फिर अगर जब ये पहना दूंगी तो इसके साथ मुझे नीचे बॉडी सूट पहनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट्स आ जाएंगी। इसके बाद मैंने लिए हैं ये दो ट्राउजर्स लिए हैं नाइट सूट्स के लिए, ये भी गैप से लिए हैं और ये $30 के दो मिले हैं। एक इस तरह क्लाउडी प्रिंट में है और एक ये लाइन्स वाले प्रिंट में है। दोनों का कलर बहुत सॉफ्ट है, बहुत क्यूट कलर है, बॉयश का कलर है। तो ये हमने रात को पहनने के लिए लिए हैं और ये भी हमने बेबी गैप से लिए हैं। चले उसके बाद दिखाते हैं और क्या लिया हमने। नेक्स्ट हमने लिए बेबी के ये बोल, तो ये 3 बोल्स हैं और इनके साथ ये 3 इनके कवर्स हैं और इसके साथ हमें मिले हैं 1 to 2 स्पून मिले हैं। तो इट सेज 4 मंथ्स प्लस, तो लेट्स सी 4 बोल्स एंड 4 लिड्स एंड 2 स्पून तो ये है। और उसके बाद हमने फाइनली लिया है ये सिलिकॉन वाला बेबी बेब, जो अगर बेबी का गिरता भी है तो वो इसमें चला जाएगा। ये मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट ईटर्स के लिए है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे। इस तरह इसके पीछे से ये हुक्स ये बनेंगे और ये मुझे मिला है आई गेस $8 का, तो ये ले लिया। उसके बाद हमने फाइनली लिया है बेबी का ये सीरियल, ओट वाला है और ये स्टार्टर्स के लिए है। तो अब इंशाल्लाह हम इसको ट्राई करेंगे 13th of June को। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछे थे कि आप कौन से होममेड पराठे उनकी बात करी, तो ये वो पराठे हैं जिनकी मैं बात कर रही थी। और मैं इनको आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे होते हैं। पहले तो इनकी ऐसे पैकिंग आती है, ठीक है, और उसके बाद हर पराठे के बाद ना ऐसे, ये देखें मैं आपको सिर्फ निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे एक पराठा आएगा, उसके बाद ऐसे एक शीट लगी होती है और फिर एक पराठा आता है। और ये एक पैक में मेरे ख्याल से जो इस तरह का पैक होता है ना, इसमें 5 पराठाज आते हैं और टोटल ये फैमिली पैक है तो इसमें टोटल 15 है। और इसकी प्राइस क्या है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके साथ लिखूंगी कि इसकी प्राइस क्या है, कितने का है ये। और ये ले आते तो ये हमारा काफ़ी टाइम निकल जाता है, बिकॉज इतना हम फिर राइस वगैरह खा लेते हैं ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छे हैं होममेड पराठे, इनको अब देखें मैंने पिज्जे से निकाले। अब मैं इनको 20 सेकेंड्स डिफ्रॉस्ट करूँगी माइक्रोवेव में और उसके बाद मैं इस पर तवे पे गर्म करके ना, तो फिर इसको हम रेडी टू ईट बना लेंगे। वैसे तो बिल्कुल खाने के ठीक है, अगर आप माइक्रोवेव नहीं करना चाहते, ज़्यादा माइक्रोवेव का यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप इसको बनाने से 10-15 मिनट्स पहले निकाल लें ताकि आपका वो माइक्रोवेव वाला टाइम बच जाए। और दूसरी बात रही कि आवाज़ का, आप लोग बहुत सब कहते थे, तो इंशाल्लाह मैं माइक पे भी काम कर रही हूँ। मैं अब जल्दी से, मैंने ऑर्डर किया हुआ है तो वो आ जाएगा। और एक और पार्सल भी मंगवाया था, उसकी मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की, मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ उसको अनबॉक्सिंग करूंगी। तो स्टे ट्यून्ड। तो जी ये है वो पार्सल जिसकी मैं बात कर रही थी, ये हमने अमेज़न से मंगवाया था और ये अमेज़न प्राइम से हमें 2 दिन में डिलीवर हो गया है। तो अभी हम चूँकि खोल चुके हैं, हमारे से वेट नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाती हूँ। तो मैंने इसको वापस इसमें डाल दिया, तो इसमें से निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये इस तरह की पैकिंग में आया है और आई होप अभी एक हाथ से निकल जाए। और ये देखें, ये आ गया बाहर। तो ये एक्चुअली क्या है अगर आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपने अपने गेसेस, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। ये है स्टोलर का बैग, क्योंकि जो मेरा स्टोलर है ना उसके साथ सिर्फ एक हैंडल था जिसमें मैं बेबी बॉटल रख सकती थी। तो चूंकि मैं वॉक पे जाती हूँ रूटीन में, तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि मैं अपना फ़ोन कहाँ रखूँ और एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती, बेशक वो नीचे स्पेस होता है लेकिन फ़ोन स्पेशली रखने का ना मुझे बहुत इशू हो रहा था। तो ये हमने मंगवाया अमेजोन से, ये आगे स्टोलर के आगे लगेगा, ये कैसे लगेगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पर हम डाल सकते हैं फ़ोन, यहाँ पर हमारे बेबी वाइप्स आ जाएंगे, ठीक है, इससे ईजी हो जाएगा ताकि निकालने में। उसके बाद ये ऐसे ओपन होता है और इसको अंदर हम खोलते हैं। इधर दो साइडों पे बॉटल डाल सकते हैं, देखिए थर्मल लगा हुआ है अंदर,
एक साइड ये आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारी कोई चीज़ आ सकती है। और इसके साथ हमें ये भी दिया है, अगर हमने अपने शोल्डर पे भी लगाना हो तो हम लगा सकते हैं। और बस ये ऐसे है, और मेरे ख्याल से पीछे भी एक, हाँ पीछे भी एक जिप दिया हुआ है कि अगर आप पीछे भी लगा सकते हो। तो ये एक्चुअली में इस तरह करके लगेगा, और ये इसकी फ्रंट फेसिंग आ जाएगी, ये यूं लगेगा ऐसे करके। तो ये क्या ऐसे होगा ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। बस मुझे फोन पॉकेट के फोन का था, और शुक्र है मेरा फोन इसमें आ रहा है, तो विच इज वेरी गुड थिंग। और ये हमने मंगवाया है आई गेस $30 का, यस ये अमेजोन से $30 का मंगवाया है, अमेजोन प्राइम है इसीलिए हमें प्राइम के साथ डिलीवरी फ्री पड़ जाती है, और सेकेंडली जो है ना हमारा जल्दी आ जाता है पार्सल। तो यस इस चीज की मैं बात कर रही थी आपसे। बस सभी खाना शाना खा के हम फारिग हो गए, फिर हमने आइसक्रीम मंगवाई, और ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है इसीलिए मैं शो ऑफ कर रही थी। सो फाइनली हम सबका सस्पेंस कहते हैं ख़त्म। सो ये है वो चीज़ जो है हमारे बिहाइंड द व्लॉगिंग सीन अब। और ये हमने मंगवाया है रिंग लाइट विथ स्टैंड, और इसके अंदर हमारा लगता है कैमरा, और ये एडजस्टेबल भी है, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। और ये मुझे कितने की मिली है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, फिर मैं इसकी प्राइस भी रिवील कर दूंगी कि ये मुझे कितने में मिला है, और ये मैंने कहाँ से परचेज किया है। जो मेरे कनाडा वाले व्यूअर्स हैं, अगर वो भी ये परचेज करना चाहते हैं तो वाई नॉट, मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और यस अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ले लिया, और अब हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम अपना स्पीकर भी, कैमरा वो ले लेंगे, माइक भी ले लेंगे, ताकि हमारी आवाज़ भी क्लियर आ जाए। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, कल आपसे मिलते हैं।